नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान के दौरान एक चर्चा खूब छाई रही और चर्चा ये थी कि 2022 के चुनावी मुकाबले में सपा और आरएलडी की जोड़ी मिलकर कमाल कर देगी, लेकिन नतीजे आए तो तस्वीर कुछ और ही थी। हालांकि इस चुनावी रण में सपा गठबंधन ने खुद को बतौर विपक्षी मजबूती से स्थापित किया है, लेकिन जीत की रणनीति के लिए जो रेसिपी इन्होंने तैयार की थी वो चल ना सकी। यूपी में चुनावी बाजी मार ले जाने वाले बीजेपी गठबंधन को यहां 273 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, तो वहीं सपा आरएलडी सस्ते में ही निपट गए। इसमें सपा को 111 सीटों पर जीत हासिल हुई, तो वहीं जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी महज 8 सीटें ही फतह कर पाई। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उम्मीद ये की जा रही थी कि यहां पर जयंत चौधरी कोई बड़ा कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि वहां किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के विरुद्ध माहौल पहले से बना हुआ था। ऐसे में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मिलकर चुनावी मुकाबले में उतरे थे। शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि ये समीकरण चुनावी मैदान में बीजेपी को पछाड़ने के लिए काफी रहेगा, लेकिन उनकी ये सारी योजना धरी की धरी रह गई। वो भी उस बेल्ट में जहां 17% जाट मतदाता हैं, तो साथ ही 25% मुस्लिम मतदाता भी हैं। अब समझने वाली बात ये है कि इसके बावजूद आखिर आरएलडी से चूक कहां हो गई। राजनीतिक पंडितों की माने तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी इस मुगालते में रह गए कि माहौल सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से ही उनके पक्ष में हो गया है, लेकिन बैलेट मशीन का बटन दबाने वाले मतदाता ने शायद कुछ और फैक्टर्स पर भी विचार किया। उसमें बीजेपी के पक्ष में कुछ मजबूत कारण बनते दिखाई दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता ने शायद उन बातों पर भी गौर किया कि रात में उनके ट्यूबवेल से घंटों पानी आता है, साथ ही निजी ट्यूबवेल के लिए चुनाव से पहले बिजली दरें 50% घटा दी गई थी। योगी शासन में बदमाशियों का भी काफी हद तक अंत हुआ है और देसी तमंचे लेकर चलने वाले छोटे बड़े बदमाशों का काफी हद तक सफाया हो गया है, और ऐसे बदमाश अब एनकाउंटर किए जाने के डर से सहमे हुए हैं। महिलाओं, बच्चों के लिए माहौल पहले से सुरक्षित बना है। दिल्ली, सहारनपुर, कैराना समेत आसपास के तमाम इलाकों तक नई सड़कें खींची हैं, और जो पहले से जर्जर थी उन पर खूब काम भी हुआ है। इसके अलावा गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य में करीब 3.5 साल बाद 25 रुपए की बढ़ोतरी भी योगी सरकार ने की, जिसने आम मतदाताओं के दिल में बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट पर सॉफ्ट कॉर्नर भी पैदा किया। राजनीतिक पंडितों की माने तो इसके अलावा आरएलडी चीफ से उम्मीदवारों के चयन में भी चूक हुई। चर्चाओं के मुताबिक गठबंधन में अपने कोटे की 40 सीटों पर जयंत चौधरी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उतार दिया जिसे उन क्षेत्रों की जनता मेजोरिटी से स्वीकार ही नहीं कर पाई, जैसे जाट बहुल कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना, सपा से जुड़े कई चेहरों को आरएलडी की टिकट से लॉन्च किया जाना और कुछ हद तक युवाओं की पसंद को नजरअंदाज किया जाना। ऐसे कुछ फैक्टर्स रहे जो राजनीतिक पंडितों के मुताबिक आरएलडी के पक्ष में उस तरह माहौल नहीं बना पाए जैसी वो आशा कर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।